नमस्कार, मैं उमेश। ड्रीम टीवी के लाइव और नॉन लाइव सेगमेंट पेज में आपका श्रीमान स्वागत करता हूं। 2024 के राजनीतिक सफर में जिस तरह गली गली मोहल्ला मोहल्ला और अनेक जगहों पर हम लोग घूम रहे हैं, यह जानने की कोशिश करते हैं किसके मन में क्या है। इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर आज हम लोग पहुँचे हैं जदयू के कार्यालय, बागमारा प्रखंड के अंतर्गत एकल ऐसा जदयू कार्यालय जहाँ पर गोपाल जी ने न केवल इसमें एक जान डाला है बल्कि कहीं ना कहीं वर्तमान के सरकार में इनकी भूमिका भी सराहनीय स्तर से देखी जा रही है। सबसे पहले गोपाल जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हमेशा न्यूज हम देखते हैं, लिंक मिलता है तो, और उसमें ये चीज़ देखते हैं कि आप सरकार का भी काम कर रहे हैं। सरकार घोषणा करती है, अपने कर्मचारियों को कहती है कि मतदाता को जागरूक करिए, आप नेता और मतदाता दोनों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखने के लिए मिल रहा है। जो क्या कुछ जदयू के मन में अभी चल रहा है वर्तमान में, अगर गिरिडीह की हम लोग बात करें तो? गिरिडीह की बात करें तो गिरिडीह में हम लोगों के प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी जी हैं, NDA का प्रत्याशी हैं। हम लोग उनको जिताने का काम करेंगे, भारी मतों से जिताने का काम करेंगे। गाँव में क्या कुछ हुआ, अगर 5 साल का आंकड़ा? विपक्षी लोग तो इतना हाहाकार मचाए हुए है CP चौधरी के अगेंस्ट में, गांव में क्या कुछ हुआ गोपाल जी? देखिए, CP चौधरी जी के बारे में लोग एक ही बात कह सकता है कि वो क्षेत्र में नहीं आए। कोई ये नहीं कह सकता है कि CP चौधरी ने हमको ठगने का काम किया, क्षेत्र में आश्वासन दिया कि ये काम करा देंगे, नहीं हुआ, या कोई किसी काम के लिए गया हो तो उसका काम नहीं हुआ होगा, ऐसा नहीं हुआ है। CP चौधरी जी जितना काम किए हैं उनका एक बुक छपा है, लोग पढ़ लें, विकास दर्पण उसको पढ़ लें। रैयतों का बात है, जैसे हमारे यहाँ कोलियरी क्षेत्र है, हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र है, और हमारे यहाँ आपका बाहरी लोग का भी धंधा पानी है, सब लोग संतुष्ट हैं उनसे। कुछ लोग कहते हैं कि पानी लिखाते हैं, पानी पढ़ाते हैं, पानी बताते हैं, पानी सुनाते हैं, लेकिन पानी पिलाने का काम नहीं करते, पानी पीने से प्यास बुझती है। वही बात है चंद्र प्रकाश चौधरी जी के साथ, ये बोल नहीं रहे हैं, इनका काम बोल रहा है। आप साथ में बैठ गए हैं कुर्सी के बगल में, यहाँ से केंद्र तक माननीय बिहार में आपका गठबंधन है, इसीलिए इतना बचाव में है क्या गुरुदेव आप? देखिए, जब एक परिवार के लोग हैं कि हम जहाँ हैं बागमारा प्रखंड का जो नेतृत्व करते हैं जदयू का, तो ये झारखंड में आती है और झारखंड में NDA की सरकार नहीं है, यहाँ सरकार है JMM की। लावर हो गए आप, इसका मतलब अपने गाड़ी को अब दूसरी और यू टर्न लेकर जा रहे हैं। अच्छा, इससे पहले लंबा समय तक तो शासन किया आप लोग, उस समय उस दंश को क्यों नहीं समझ पाए? उस समय का देखिए, काम देखिए, एक तेजस्विनी परियोजना चलती थी, ऐसा कितनी परियोजना चलती थी जिसमें रोजगार लोगों को मिलता था। आप उन लोगों से मिलिए, भाजपा के टाइम में रघुवर दास जी सरकार में थे, उस समय के बात बता रहा हूँ। आज जितनी संस्थाएं चल रही थी सब संस्थाओं को बंद कर दिया गया। जल जमीन जंगल का नारा देने वाले लोग जल जमीन और खदान को लूटने का काम करने लगे। अच्छी लोग तो ये बात कर रहे हैं सीधा JMM की सरकार के सबसे सर्वमान्य मुख्यमंत्री को आप लोगों ने जेल के सलाखों तक झूठे केस में फंसाया, क्या कुछ कहेंगे? ये न्यायालय तय करेगी, हम लोग के कहने से कुछ हो जाएगा? हम कहेंगे कि आप जो है जेल चले जाइए तो चल जाइएगा, हम थाने वाले को बोलेंगे पकड़ के ले जाइए तो ले जाएगा, ऐसा नहीं है। जल जंगल जमीन की सरकार में JMM का क्या योगदान नहीं रहा क्या? योगदान आप हमसे ज़्यादा हर गली मोहल्ला में, और हम तो एक सीमित क्षेत्र बागमारा प्रखंड का क्षेत्र देखते हैं, आप तो पूरे लोकसभा नहीं झारखंड बिहार तक जाते हैं, ये हमको पता है, आप देख करके खुद बता सकते हैं जनता को क्या है। अच्छा, जदयू के आने से क्या कुछ लोगों को बेनिफिट मिलेगा? अगर हमको बोला जदयू का समर्थन जिस तरीके से CP चौधरी, मान लीजिए अगर हम लोग गिरिडीह कंस्टिट्यूंसी के अंतर्गत देखते हैं, क्या कुछ गोलबंदी आप लोगों की तरफ से या रणनीति रहेगी? अभी CP चौधरी जी का कार्यक्रम था हम लोगों के प्रधान कार्यालय में, तो वहाँ पर एक बात हम रखने का काम किए हैं खुले मंच से कि अभी का जो स्थिति है यहाँ का, स्थिति ये है कि 18 साल से 25 साल तक का युवा इतना भटक चुका है कि उसको अपना भविष्य का सोच समझ नहीं है। 25 साल से 45 साल का युवा जो पूर्व में राजनीतिक क्षेत्र में ही सब कुछ समझ रहा था,
आज कहीं कहीं पलायन कर गया और पलायन का स्थिति यहाँ बहुत मतलब उसको कहा जा सकता है जो विकराल रूप ले लिया है। जो महिलाएं घर से नहीं निकलती थी आज हाजिरी काम करने के लिए निकल रही है। यहाँ पर सब कुछ होने के बाद भी हमारे यहाँ कोयला खदान है, हमारे यहाँ अबरख है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ की घर की बहू जो पर्दे के पीछे रहना चाहिए आज काम खोजने निकल रही है, प्लान कर रही है। ये बहुत विकट स्थिति है, इसको रोकने का जरूरत है, यही मैंने खुले मंच से कहा। अच्छा, आपकी अगेंस्ट में माननीय मत्सा प्रसाद महतो हैं, जिनके बारे में मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जब आप फील्ड में उतरे हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों को लगता होगा कि एक मजबूत प्रतिद्वंदिता उनके साथ है, क्या कुछ अपने वोटर को कहेंगे कि उनके तरफ झुकान कम करें? देखिए, दो ही पक्ष अभी नज़र आ रहे हैं, एक है कि मोदी जी को लाना है और एक है मोदी जी को हटाना है। तो लोग तय करेंगे कि मोदी जी को लाना है कि हटाना है। और अभी मोदी जी का लहर है, निश्चित तौर पर गिरिडीह के लोग में इतनी समझदारी है कि हमको कहाँ वोट करना है। आपका कहना है कि महागठबंधन केवल मोदी जी का विरोध वाली बात करते हैं, विकास का कोई खाका या पायलट प्रोजेक्ट नहीं है क्या उनके पास? देखिए, ऐसा नहीं है कि कॉलम तय करेगा, भाषणबाजी मंच का नहीं है, सूचना का अधिकार सबके लिए है। मांग लीजिए कहाँ कहाँ काम हुआ, क्या सूचना का अधिकार 2005 कांग्रेस का देन है और वहीं पर आप मांग रहे हैं, उन्हीं को लेकर उन्हीं को आड़े हाथों ले रहे हैं आप। ठीक है, आपका कहना सही है, लेकिन जो क्वेश्चन है कि क्या किए, जानकारी नहीं है तो पूछ सकते हैं। गिरिडीह जी में दो चार काम ऐसा बताइए जो माननीय सी पी चौधरी के द्वारा बड़ा प्रबल तरीके से रखा गया और बिल्कुल धरातल पर है। गिरिडीह में सी पी चौधरी के माध्यम से रैयतों का जो मामला था CCCL में, उन्होंने न प्रोजेक्ट ऑफिसर, न GM, न CMD, डायरेक्ट कोल इंडिया चेयरमैन के साथ आम लोगों को बैठा करके वहां के रैयतों के साथ इंसाफ कराने का काम किया है। उन्होंने DMFT के माध्यम से कितनी रोड बनाए, ये उनका किताब जो आप बोले वो देख सकते हैं। कभी यूँ कहेंगे कि विकास का एक प्रॉपर एजेंडा जो विपक्ष के तरफ से रखा जा रहा नेगेटिव, वो पॉजिटिव? हाँ, ये कहा जा सकता है कि वो क्षेत्र में आए नहीं आए, आपसे मिले, आप बुलाए भी नहीं। जिनका कहना है कि नहीं आए, उनसे एक बार अगर आप पूछिएगा कि आप कभी बुलाए, किसी कार्यक्रम में बुलाए, तो उसका ना आएगा जवाब। उसके बाद कभी भी कोई पूजा पंडाल हो, वो नहीं पहुँच पाए तो उनके प्रतिनिधि लोग पहुँचे, किसी भी लोग को कुछ राजनीतिक विडंबना या पार्लियामेंट की बात। दो साल उनका कोरोना काल में कट गया और कोरोना काल में लोगों को अच्छा मदद किए, ये हम लोगों को भी जानकारी मिली। बहुत लोगों को जानकारी नहीं था, उन लोगों को जानकारी मिलने के बाद वो लोग बोले काम को हम लोग वोट देंगे, और काम को वोट देने का मतलब है चंद्र प्रकाश चौधरी जी को वोट देने। क्या कुछ अपील करेंगे यहाँ बागमारा के वोटर से? कहीं 6 विधानसभा के अंतर्गत बागमारा की गोलबंडी बड़ा गिरिडीह जी में मजबूत ढंग से रखी जाती है, तो क्या यहाँ को वोटर को आप लोग अपील करेंगे? हम यही कहेंगे कि वोटर, वोट के दिन आप इतना काम कीजिएगा, 364 दिन जिस तरह जीते हैं 65 दिन भी उसी तरह जिएगा। और हम यहाँ अगर बैठे हैं, बोल रहे हैं, तो इसका कारण है कि शक्ति, आज शरीर में शक्ति है तो उमेश जी हमसे पूछ रहे हैं, हम बोल रहे हैं, ताकत। और मतदान जो है ये आपकी शक्ति है, आपकी ताकत है। आप देखते होंगे सीरियल वगैरह में कि दैत्य लोग जो हैं वो लोग साधना करते हैं, शक्ति अर्जित करते हैं, फिर राजा बनते हैं। तो आपकी शक्ति है मतदान की शक्ति, और इस शक्ति को एक दिन सोच समझ करके करना है, और काम करने वाला आदमी को करना है, नाम बेचने वाला आदमी के साथ नहीं करना है। कथनी पर कम और करनी पर ज़्यादा विश्वास करना है। क्या कुछ रहेगा आपके तरफ से कि वोटर, एक आसान काम नहीं रहेगा कि वोट को घुमा देना, बड़े बड़े दिग्गज हैं। जयराम महतो का नाम आपने सुना है कि? हाँ, सुना है। क्या कुछ रहेगा उनके लिए अभी जिस तरीके से गोलबंदी, उनके पक्ष के लोग बोल रहे हैं कि दोनों तीनों नेताओं ने मिलकर उनके साथ कुछ ऐसा किया, क्या कुछ सही है? देखिए, ये तो राजनीति फंडा है और कोई किसी को फंसाता नहीं है, ये तो कानून के ऊपर है, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। कहने के लिए तो लोग बहुत कुछ बोलते हैं। क्या कुछ रहेगा 2024 की गोलबंदी में 14 सीटों को निकाल कर आप लोग माननीय मोदी जी के खाता में पहुंचा रहे हैं कि आपकी सीट 12 से 8, 6, 5 पर आके लटकेगी?
नहीं, हम लोगों की तो कोशिश है कि 14 का 14 सीट जो है जीत रहे हैं 14 सीट में हम लोग जीत रहे हैं। विपक्षी को क्या मैंने सलाह दे देते हैं कि चद्दर तोड़ के चुपचाप सूझ जाए, विपक्ष में कहीं नहीं जी अपना काम दिखाए। हम लोग नाम नहीं दिखा रहे हैं, हम लोग चंद्र प्रकाश चौधरी जी का काम दिखा रहे हैं, एनडीए प्रत्याशी का काम दिखा रहे हैं, और काम देखने के बाद लोगों का मूवमेंट फिर इधर हो रहा है कि एनडीए को ही हम लोग वोट करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से जदयू के कार्यालय से आगाज उठा है, बागमारा के हर घर तक पहुंचाने का इन्होंने एक बीड़ा उठाया है, क्योंकि गठबंधन का सरकार है, गठबंधन का धर्म है, गठबंधन की नीति है, और गठबंधन एक बहुत बड़ी नैतिकता के आधार पर चलने वाला एक विश्वास की कड़ी है। मुझे लगता है जो कुछ भी हो, 25 मई का आगाज आप लोग तो यही कहेंगे कि भाजपा को जीता के आगे लाना है। जैसे भी हो, एक चीज़ मेरे तरफ से एक अंतिम प्रश्न के साथ वाइंड अप करेंगे। अच्छा, पैसा 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 पैसे का खेल चलता है क्या राजनीति में, वोटरों के दिन या वोट के दिन? देखिए, ये तो कहना हो जाएगा कि हम मेला देखने जा रहे हैं और ऐसे जा रहे हैं। मेला लोग घूमता है अपने हिसाब से, घूमता है कुछ कम या कुछ अधिक, कुछ ज़्यादा घूमता है कुछ अधिक घूमता है, मेला तो लोग घूमता ही है। दबे स्वर में गोपाल जी ने एक बात कहा है, श्रीमान मेला में हम सभी हैं, कोई 2 करेगा, कोई 5 करेगा, कोई 10 करेगा, कोई चुनावी आंकड़े के अंदर करेगा, कोई चुनावी आंकड़े के हम कह नहीं सकते। धन्यवाद गोपाल भाई, बस हम लोग का तो यही कोशिश है स्वच्छ निर्मल और स्वस्थ झारखंड का जो सपना हम सभी देखते हैं वो कब होगा आने वाले समय में, क्या कुछ संदेश है? हम यही संदेश देना चाहेंगे कि सरकार तो 5 साल के लिए आएगी और 5 साल में फिर चुनाव आएगा, मतदान करने का लोगों को मौका मिलेगा, लेकिन 18 साल से 25 साल के युवा जो अपना भविष्य का सोच नहीं रखते हैं, गांव में हम जाते हैं तो देखते हैं कि भटक चुके हैं, उस पर पहल करने के सामाजिक संस्था को आपके चैनल के माध्यम से हो, राजनीतिक पार्टी हो या प्रत्याशी हो या क्षेत्र के जो जिनको एक तरह से कहा जा सकता है मालिक हम लोग बनाते हैं, उन लोगों की जवाबदेही है कि आने वाली पीढ़ी को बचाया जाए। आने वाली पीढ़ी पता नहीं क्या होगा इस देश का। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी, धन्यवाद आपके चैनल को भी, धन्यवाद और पूरे बागमारा प्रखंड की ओर से विशेष धन्यवाद देंगे कि आप नेता और मतदाता दोनों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। धन्यवाद।